आप देख रहे हैं दखल न्यूज। 2020 में दिल्ली में 1,46,92,136 वोटर्स हो गए हैं जो चुनाव में अपने मत का प्रयोग करेंगे। दिल्ली में 2,679 जगहों पर वोटिंग की जाएगी और 90,000 सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रबंधन संभालेंगे। चुनाव आयुक्त ने बताया कि बुजुर्ग लोग पोस्टल बैलेट के जरिए भी वोट डाल सकेंगे। इसके लिए उन्हें 5 दिन पहले फॉर्म जमा करना होगा। चुनाव घोषणा के साथ दिल्ली में आदर्श आचार संहिता तत्काल लागू हो गई है। 14 जनवरी को चुनाव के लिए नोटिफिकेशन होगा। 21 जनवरी तक उम्मीदवार पर्चा दाखिल कर सकेंगे। 22 जनवरी को स्क्रूटनी होगी। 8 फरवरी को मतदान होगा और उसके बाद 11 फरवरी को चुनाव के परिणाम आएंगे। 1,46,92,136 electors. Unless there is some further variation as per the CEO's delivery to the morning figures, there are 13,750 polling stations comprised in 2689 polling locations. We found during the review of the commission that many polling stations are housed in more than a couple of polling stations in one campus. Counting is 11th February, Tuesday. After that, when all the results are out, there will be a notification, right? Number of days of campaign is 15. We have taken special care to avoid Sundays and as soon as possible, even Fridays because of the Juma prayers. And this is the schedule. पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अन्य दलों का पूरी तरह से सूपड़ा साफ कर दिया था। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आप पार्टी ने दिल्ली की 70 सीटों में से 67 सीटों पर कब्जा जमा लिया था। इस बार भाजपा आपको यह प्रदर्शन दोहराने नहीं देना चाहेगी। इसी वजह से भाजपा ने दिल्ली में अपना चुनाव कैंपेन तेज कर दिया है। वहीं दूसरी ओर सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी सूबे की जनता के लिए कई लोक लुभावन घोषणाएं कर दी हैं। लोकसभा चुनाव में बड़ी सफलता हासिल करने वाली भाजपा विधानसभा चुनाव में लगातार पिट रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान गंवाने के बाद हाल ही में भाजपा के हाथ से महाराष्ट्र और झारखंड की सत्ता भी जा चुकी है। ऐसे में भाजपा के लिए दिल्ली चुनाव को जीतना काफी चुनौती भरा हो सकता है। जनरल कासिम सुलेमानी के अंतिम संस्कार के एक आयोजक ने ईरान के हर नागरिक से कहा कि वह $1 दान दे। इससे मिलने वाली रकम का इस्तेमाल उस शख्स को इनाम देने के लिए किया जाएगा जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करेगा। बताया जा रहा है कि ट्रंप की हत्या के लिए $8 करोड़ का इनाम रखा गया है। ईरान की सरकारी टीवी के अनुसार कासिम की हत्या के जवाब में व्हाइट हाउस पर हमला करने की धमकी भी दी गई है। कासिम की हत्या के लिए ड्रोन हमला करने का आदेश खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया था और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी निंदा भी हुई है। सप्ताहांत में अन्य बयानबाजी के साथ ही ट्रंप ने यह धमकी भी दी थी कि यदि अमेरिकी संपत्ति या अमेरिकी नागरिक पर हमला किया गया तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ईरानी सांस्कृतिक स्थल सहित 52 जगहों को अमेरिकी सेना ने निशाने में ले रखा है जहां बहुत तेजी से और बहुत जोरदार तरीके से हमला किया जाएगा। एमपी के नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कमलनाथ सरकार ने निराशित और निशक्त जनों के लिए आश्रम और रैन बसेरा डे केयर सेंटर खोलने पर खर्च की जाने वाली निराशितों के हक के 750 करोड़ रुपए अन्यत्र खर्च कर दिए हैं जिससे प्रदेश के वृद्धजन निराश्रित के लालन पालन के लाले पड़ गए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा का वचन देने वाली कमलनाथ सरकार निराश्रितों के हक छीनने में लगी हुई है। कांग्रेस ने झूठे वचनों से हर वर्ग को छलने का काम किया है। कमलनाथ सरकार के मनमाने निर्णय से किसान, युवा, वृद्धजन, निराश्रित हर वर्ग परेशान है। प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने जिलों में निराश्र निधि के रूप में जमा 750 करोड़ रुपया निकाल के फिजूल खर्ची में व्यय कर दिए। यह राशि वेतन भत्तों में पेंशन इत्यादि में व्यय कर दिए। मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूं ये राशि कृषि उपज मंडियों पर लगभग 25 साल पहले 20 पैसा प्रति क्विंटल के हिसाब से जमा की जाती थी और इस राशि से निराश्रित निधि
के रूप में गरीबों का, मजलूमों का, निराश्रितों का, जो निःशक्त जन है, विकलांग है, उनका सारी राशि राज्य सरकार ने भोपाल मंगा ली है। शेष जिलों से भी राशि मंगाई जा रही, उनके पास भी थोड़ी सी राशि बची है, जो कि अब मुझे लगता है कि इस महीने तक सारे 52 जिलों की राशि निकल जाएगी। ये बहुत बड़ा आपराधिक काम है, खासतौर से निःशक्त जनों के लिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि निःशक्त जन और वृद्ध जनों के लिए प्रदेश के कृषि उपज मंडियों में बिक्री पर 0.2% की दर से निराश्रित सहायता राशि ली जाती है। इस राशि से निराश्रित और निःशक्त जनों के लिए आश्रम, फुटपाथ पर निवास करने वाले या सोने वालों के लिए रैन बसेरे, डे केयर सेंटर, निःशक्त जनों के लिए आवासीय, गैर आवासीय स्कूल, रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण केंद्र खोले जाते हैं। सरकार ने 750 करोड़ की यह निराश्रित राशि निकालकर उन्हें दर दर के ठोकरे खाने पर मजबूर कर दिया है। यह बड़े शर्म की बात है कि कांग्रेस ने दिव्यांगों के हक का पैसा भी नहीं छोड़ा। अंबिकापुर के सरगुजा राज परिवार के सबसे युवा सदस्य कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव के भतीजे एआईसीसी सदस्य आदित्येश्वर सिंह देव ने सरगुजा जिले से जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 2 से चुनाव पर्चा भरा। जिला कांग्रेस कार्यालय कोठीघर से आम जनों एवं कार्यकर्ताओं के साथ जाकर नामांकन दाखिल किया। इससे पहले क्षेत्र के मतदाताओं से राय ली। आदित्येश्वर शरण सिंह देव को लोग आदि बाबा के नाम से पुकारते हैं। ग्राम पंचायतों का दौरा कर वहां के पारा मोहल्ला में पहुंचकर लोगों से मुलाकात की और उनसे पूछा कि आप लोग चाहते हैं कि मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव आपके क्षेत्र से लड़ूं? क्या आप सभी का सहयोग मुझे मिलेगा? मैं चुनाव लड़ूं अथवा नहीं? हाँ, कुछ कुछ अपने ही जैसा मामला दिख रहा है, क्योंकि ये सही बात है कि वो आईएएस की भी तैयारी कर रहे थे और इंजीनियरिंग करके, पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में करके कई उनके पास नौकरियों के भी ऑफर थे, ये भी सच्ची बात है। परिवार से भी उनको कहा जा रहा था कि भाई ये राजनीति में कई हो गया, सर्विस सेक्टर में भी देखो, जॉब भी देखो। मुझे लगता है कि यहाँ रह के लोगों से संपर्क में रहने के कारण लोगों का अगर कहीं ऐसा सुझाव आया होगा कि नहीं लड़िए, तो कहीं ना कहीं वो मना नहीं कर पाए होंगे और लोगों से जाके राय सलाह करके अंतिम उन्होंने निर्णय लिया कि इस क्षेत्र में भी समय देना चाहेंगे। आपको बता दें कि आदित्येश्वर शरण सिंह देव अब तक कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव के प्रतिनिधि के रूप में जनता के बीच जाकर कार्य करते थे, लेकिन अब प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में आकर जनता के बीच जाकर सेवा करने का उनका यह पहला मौका है। आदित्येश्वर शरण सिंह देव ने कैलिफोर्निया से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की है। वर्तमान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं कांग्रेस के डाटा एनालिस्ट विभाग के संयोजक और विभिन्न राज्यों के प्रभारी भी हैं। रणनीति तो सिर्फ लोगों के बीच रहने की है, अभी भी जाके उनसे ही मेल जोल, बातचीत और जितना उनका सहयोग कर सके और उनका सहयोग मिल सके उसी की रहेगी, और जितना हो सके उनके बीच रहने का प्रयास किया जाएगा, यही हम लोग का। वो तो लोग डिसाइड करेंगे, वो तो हम लोग कहाँ डिसाइड कर सकते हैं, वो तो आगे जाके जैसा टाइम डिसाइड करेगा उसमें ही पता चलेगा। कैलाश विजयवर्गीय के इंदौर जलाने वाले बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि कैलाश विजयवर्गीय ने आरएसएस से जो संस्कार सीखे हैं वही वे बयान देंगे। जला दो, मार दो, काट दो आरएसएस के संस्कार हैं। सिंधी विस्थापितों के पट्टे की समस्या पर दिग्विजय ने कहा कि मैंने अपने कार्यकाल में पट्टे दिए थे और जो बचे हैं उनको भी दिए जाएंगे। पट्टों के बारे में मैंने अपने कार्यकाल में कर दिया था और भी हम लोग कर देंगे, निश्चित कौन करेंगे। ऐसा है, कैलाश विजयवर्गीय जो संस्कार सीखे हैं आरएसएस से वही तो बयान देंगे ना, जला दो, मार दो, काट दो। मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बीच जुबानी जंग चलती रहती है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के आग वाले बयान के बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि इंदौर नपुंसकों का शहर नहीं है। जो अपने आप को सीनियर और शक्तिमान समझते हैं वो आग लगाने की बात करते हैं, उनके जैसे कितने आए और चले गए, इंदौर वही का वही है। एक जो अपने आप को बड़ा सीनियर और सर्वशक्तिमान नेता बीजेपी का बोलता है, उसे इतना ही ज्ञान नहीं है तो ये विभाग कैसे चले होंगे, ये भगवान मालिक है। और उन्होंने कहा हम आग लगा देते आरएसएस के लोग नहीं होते। हमने कहा आरएसएस के लोग बेटे भैया पूछ ले कि आग लगाना है कि नहीं, पर मैंने कहा कि इंदौर नपुंसकों का शहर नहीं है, इंदौर बाहुबली
और बुद्धिमान लोगों का, ईमानदार लोगों का शहर है जो खुद उन्होंने निर्माण किया है। तेरी और मेरी हैसियत नहीं है कि उस इंदौर में आग लगा दे, तेरे और मेरे जैसे कहीं आए और चले गए, इंदौर अपनी गति से चल रहा है। ग्वालियर किला के गुजरी महल स्थित राज्य पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय के तलघर में अष्ट धातु से बने प्राचीन स्कंद माता की मूर्ति विराजमान थी। यह करीब 400 साल पुराना एंटीक पीस है। 20 इंच की मूर्ति को बेहद संभाल कर रखा गया था। केयरटेकर छत पर धूप का आनंद ले रहे थे। कुछ देर बाद वह नीचे पहुंचे तो तलघर से बेशकीमती मूर्ति चोरी हो चुकी थी। तत्काल अधिकारियों को मामले की सूचना दी। अपने स्तर पर जांच के बाद चोरी की सूचना बोहाड़पुर थाना पुलिस को दी। गुजरी महल संग्रहालय 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहता है, फिर भी अष्ट धातु की मूर्ति चोरी हो गई। चोरी की घटना की परिस्थितियां संदिग्ध हैं। गुजरी महल संग्रहालय में 70 से अधिक पत्थर व मिश्र धातु की प्राचीन मूर्तियां रखी हुई हैं। इनमें भारत की सबसे चर्चित शाल भंजिका मूर्ति है, जो प्राचीनतम होने के साथ साथ करीब 200 करोड़ रुपए कीमत की है। संग्रहालय में कुल 17 गैलरी हैं, साथ ही कुछ ओपन गैलरियां भी हैं, जिनमें बेशकीमती मूर्तियां, हड़प्पा सभ्यता के समय के मोहन जोदड़ो से मिले पत्थर आदि कई संपत्तियां रखी हैं, जिनकी कीमत आंकने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ये प्रतिमा विभाग के द्वारा संग्रहित की गई थी, जो धातु की थी। प्रतिमा अष्टभुजी होकर देवी प्रतिमा है और लगभग 300-400 साल पुरानी प्रतिमा। दिनांक 4/1/20 को FIR दर्ज करवा दी गई। नहीं, सीसीटीवी फुटेज में उसका प्रतिमा इस जगह डिस्प्ले थी कि वो उसके कवरेज में नहीं आ रही है, कैमरे के कवरेज में नहीं आ रही है। और बेसमेंट में दो कैमरे लगे हैं, पर वो ऐसे एंगल पर शोकेस प्रदर्शित है कि कैमरा उसको कवर नहीं कर रहा है। एक आवेदन पत्र आया वहाँ से, कर्मचारी लेके आया कि वहाँ तलघर में मूर्ति शोकेस में रखी थी तो वो चोरी हो गई है। उस पर से हमने अपराध क्रमांक 8/20 धारा 454-380 की कार्रवाई कर ली। सीसीटीवी फुटेज वगैरह अगर वहाँ होंगे तो देखे जाएंगे, विवेचक देख के बताएंगे। पुलिस जल्द यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकालेगी, जिससे पता चल सके कि मूर्ति चोर कौन है। हालांकि जहाँ मूर्तियां रखी थी वह स्थान कैमरों की पहुंच से बाहर है, लेकिन उसके आसपास का इलाका कैच में है। इससे यहाँ उस समय आने जाने वालों का पता चल सकेगा। छतरपुर में कांग्रेस की गुटबाजी सड़क पर दिखाई देने लगी है, जब खजुराहो एयरपोर्ट पर सतना जाने के लिए पूर्व सीएम कमलनाथ का स्वागत करने वाली लिस्ट पर कांग्रेस के राजनगर विधायक विक्रम सिंह नातीराजा और कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज त्रिवेदी विवाद हो गया, क्योंकि जो लिस्ट राजनगर विधायक ने SDM को सौंपी थी उस लिस्ट के उलट कई नेता एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश करने लगे। इस लिस्ट को लेकर कांग्रेस विधायक और कांग्रेस जिला अध्यक्ष में विवाद हो गया। इन नेताओं के बीच तीखी बहस शुरू हो गई और विधायक ने प्रशासन के अधिकारियों को धमकाते हुए कहा कि आइंदा से किसी भी नेता और मंत्री का स्वागत नहीं करने आएंगे। इस विवाद पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने प्रशासन पर लापरवाही करने का ठीकरा फोड़ दिया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष के नाते मैं पूरे संगठन के अध्यक्षों की लिस्ट देता हूं, जिसमें युवक कांग्रेस, NSUI, सेवा दल के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक के अध्यक्ष, माइनॉरिटी सेल के, OBC के, महिला कांग्रेस, NSUI, सब लोग थे। मैंने हर आदमी का नाम दिया था। वो लिस्ट ज़्यादा लंबी होने के कारण उसको उन्होंने सॉर्ट आउट किया था। इसको हम उधर पे CM हाउस में और अपने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संज्ञान में लाएंगे कि आइंदा से ये ध्यान रखा जाए कि जिन लोगों ने आपको यहाँ से विजयश्री हासिल करा के करी, कम से कम उनके संगठन के मुखिया के लोगों को भी अपने माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का अधिकार होना चाहिए। सुरक्षा एजेंसियों से विवाद कुछ नहीं हुआ। जो अप्रूवल लिस्ट दी गई थी SDM स्वप्निल वानखेड़े जी द्वारा, उसमें ATS एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा प्रवेश वहाँ तक किया गया, अलाउ गेट तक ही, जो कि विधिवत उन्होंने उसमें लिखा था कि अंदर तक रिसीविंग लाउंज। जगदलपुर में नागरिकता संशोधन कानून और NRC के समर्थन में विशाल जनसभा एवं रैली का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के सभी धर्मों और समुदायों के लोगों ने हिस्सा लिया। CAA और NRC के कानून में भ्रांतियों को लेकर समझाइश दी गई, नागरिकता संशोधन कानून को विस्तार से बताया और इस रैली में भाग लेकर प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा।
सीए के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी तारतम्य में एक विशाल पैदल मार्च निकाला गया। मुस्लिम अधिकार मंच के बैनर तले आयोजित इस पैदल मार्च में कांग्रेस, माकपा और आम आदमी पार्टी ने भी हिस्सा लिया। हेमू कालानी चौक से आरंभ हुआ ये मार्च शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ फूलबाग चौराहा स्थित अम्बेडकर प्रतिमा पर सम्पन्न हुआ। संविधान बचाओ यात्रा के तहत ये पैदल मार्च निकाला गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में सभी वर्गों के लोगों ने भाग लिया और एक सुर में नागरिकता संशोधन बिल का विरोध किया। साथ ही केंद्र सरकार को चेतावनी दी है, जब तक सरकार बिल वापस नहीं लेती आंदोलन जारी रहेगा। आज हम सभी लोगों ने NCR ONN के विरोध में शांतिपूर्वक एक जुलूस महाराजवाड़े से लेके फूलबाग तक निकाला है। उसमें सभी धर्म के लोग हैं, सभी पार्टी माँ जी NCR को वापस ले, जो जिससे जो आने वाले टाइम में हमारे लोगों को बहुत परेशानी होना पड़ेगी। जो उन्होंने रैली निकाली है वो रैली शांतिपूर्ण से चल रही है। प्रशासन और पुलिस के इंतजाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अब देख भी रहे हैं कि सब शांतिपूर्ण से कर रहे हैं। ये डेमोक्रेसी उनका अधिकार है कि नहीं। ये CA के विरोध में कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इनका पॉइंट है। इस वैज्ञानिक युग में भी लोग अंधविश्वास और जादू टोना में विश्वास करते हैं। सराय थाना अंतर्गत गोरा गांव में एक वृद्ध महिला फूलबाई सिंह को असामाजिक तत्वों ने जादू टोने के शक में बांधकर रात में मारपीट की, जिससे महिला का हाथ फ्रैक्चर हो गया। महिला का आरोप है कि वह चीखी चिल्लाई लेकिन लोगों ने उसकी एक ना सुनी। उसका आरोप है कि उसके साथ मारपीट करने वाले उसी के गाँव के निवासी हैं, उसी के परिवार के व्यक्ति हैं। बताया जा रहा है कि उसके जेठ के लड़के धनराज सिंह के एक बच्चे की बीमारी के कारण से मौत हो गई थी। उन लोगों को शक है कि जादू टोने से इनकी बच्चे की मौत हुई है, जबकि महिला का कहना था कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। महिला को इलाज के लिए चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। वहीं परिजनों का आरोप है कि सराय पुलिस को सूचना देने के बाद भी आरोपियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। रात में लाई जाए रात भर डांक दी रात भर डांक लेन ध्यान हो भोर पीटे दस बजे सुबह पीटी ने देर लड्ढा कर गई हम निकरी नहीं पाऊँ न पढ़ाए पाऊँ मैं सब कहा मोर नहीं कहूँ नहीं मोर पाछे रहें कहा करो रात के चल बड़ी मोर लड़का मरी थी तो मैं क्या करूँ। कागज के रिपोर्ट लिया या का थाना का तब दवाई करब और नहीं तो फिर डॉक्टर का पर्ची जा ले लाना वहाँ सर इसलिए अक्सरे वाला तब हम दवा करेंगे नहीं वैसा नहीं करेंगे नहीं ऐसे पड़े रहोगे। इस मामले में पुलिस का लापरवाह रवैया सामने आया है। इस घटना के बारे में जिला पुलिस को पता ही नहीं है कि मामला मीडिया में आने के बाद पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की बात कही है। उनका ऐसा कहना गलत है। अभी मैंने थाना प्रभारी से बात किया था कि उनके द्वारा बताया गया कि इस प्रकार के नाम की महिला उनके थाने में नहीं पहुँची है। आपके द्वारा ये बात हमारे संज्ञान में लाई गई है। हमारे हॉस्पिटल चौकी में जो तैनात हैं कर्मचारी उनको हमने बात किया है, वो जाएंगे वहाँ पे और यहीं पर जीरो की FIR करवा करके हम थोड़ी तरीके से कार्रवाई करेंगे। जो जो इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको वक्त बदला नेता बदले पर नहीं बदले हालात। आम जनता टैक्स भरती है तो सरकार चलती है, मगर जनता को मिलने वाली सुविधाओं पर ही ग्रहण लगा रहता है। बात सड़कों की है, जब गाड़ी खरीदी जाती है सड़क पर लाने से पहले ही रोड टैक्स भरवा लिया जाता है। हाईवे पर निकलो तो टोल टैक्स भी लिया जाता है। आम आदमी अपनी कमाई से इनकम टैक्स भी भरता है। बदले में मिलती है खराब सड़कें, ऐसी सड़कें जिन्हें गड्ढों में ढूंढना पड़ता है। बहुत समस्याएं हैं गाडावारा विधानसभा में। मात्र एक ऐसा गाँव मेरे ख्याल से गोलगांव बचा है कला, जहाँ पर अभी तक रोड नहीं बना है। पिछले वक्त जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय भी हम लोगों ने यहाँ पर वोट ना डालने का निर्णय लिया था। प्रशासन आया, SDM साहब, तहसीलदार, जो भी अधिकारी आए प्रशासन के, उन लोगों ने यहाँ पर आके हम लोग को आश्वासन दिया कि आपके यहाँ पर रोड शीघ्र ही बनाया जाएगा। पर पिछले एक साल हो चुके हैं विधानसभा चुनाव के, आज भी वही समस्या। रोड की समस्या सबसे पहले है। यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं
कि बरसात से ज़्यादा भी परेशानी है, और इसका बहिष्कार भी किया था। आगे बाद में भी थोड़ी बहुत सुनवाई हुई, मिट्टी करने के बाद फिर भी ठेकेदार छोड़ कर भाग गया। 2 महीने पहले से काम लगा था और छोड़ कर भागा, दोबारा अभी वापस नहीं लौटा। समस्या ये आ रही है कि ये तो ये एक लंबे थे, ये रूट तो बहुत दिन से स्वीकृत है, और इसके बाद में ये निर्माण कार्य या उसने प्रारंभ तो किया था, लेकिन ये मिट्टीकरण का किया तो इसमें बरसात बेमौसमी बरसात है, तो इसमें ग्रामवासियों को आवागमन में बहुत दिक्कत जा रही है। SDM के पास भी गए 2 बार और चुनाव के पहले भी मतलब शिकायत की थी, तो चुनाव में बोल रहे आए थे जो ब्लॉक से अधिकारी, बोल रहे थे कि चुनाव के बाद हो जाएगा काम, लेकिन अब चुनाव के बाद भी नहीं हुआ काम। हमको दिक्कत ये है कि ना शौचालय है, रोड लड़का बच्चा है तो स्कूल के लाने बैठे हैं, रास्ता खराब है, उसी वजह से वे खड़े हैं, घर बैठे हैं, पानी नहीं जाते। आपको बता दें कि गाडरवारा के एक गांव गोल गांव ने विधानसभा चुनाव से पहले सड़क निर्माण को लेकर चुनाव का बहिष्कार किया था। तब अधिकारियों की समझाइश के बाद यह आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही सड़क निर्माण कराया जाएगा, मगर चुनाव खत्म तो अब कम से कम 5 सालों के लिए प्रशासन और सरकार के लिए सड़क का मुद्दा भी खत्म। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीर दिख रही है, ये उस विकास की गाथा है जो देश के आजाद होने के 72 साल बाद भी वैसी की वैसी ही है। इस शिक्षक को ही सुनिए, 12 सालों से इसी रास्ते से बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, मगर इस राह में सड़क आज तक इनको नहीं मिली है। ये रोड तो हम जब से देख रहे हैं तभी से नहीं बना है, और यहाँ आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है, कीचड़ भी मच रही, बरसात में बहुत दिक्कत होती है। जी हाँ, ये गाडरवारा के एक गांव गोल गांव की वो खस्ता हाल सड़क है जो दशकों से विकास का इंतजार कर रही है। विकास के दावों की पोल खोलती यह तस्वीरें बता रही हैं कि विकास का हाल क्या है। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। सालों से सड़क की मांग कर रहे ग्रामीणों को अगर अभी तक कुछ मिला है तो वो है सिर्फ आश्वासन। जब इस बारे में गाडरवारा SDM राजेश शाह से बात की गई तो उन्होंने कैमरे को देख व्यवस्था ठीक कराने की बात कहना ही उचित समझा। अभी वर्षा होने के कारण से थोड़ा सा दिक्कतें शुरू हुई है, कीचड़ हुआ है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से सड़क बन रही है, हम कोशिश करेंगे इसमें अभी कुछ गिट्टी वगैरह डल जाए वहाँ के अधिकारियों से बात करके, ताकि यातायात सुचारू रूप से चालू हो सके। राजमाता चून कुमारी स्टेडियम बैढ़न में विंध्य क्षेत्र के युवा कलाकारों द्वारा बघेली को एक अलग पहचान दिलाने के उद्देश्य से गाना बजाना और कॉमेडी के माध्यम से एक शाम ऊर्जा धानी के नाम कार्यक्रम के तहत आवा हंसा जाए कार्यक्रम आयोजित किया गया। बघेली स्टार गायक व कॉमेडियन अविनाश तिवारी ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। इनकी कॉमेडी के ओवरडोज से सिंगरौली जिले के बैढ़नवासी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। 5,000 का एक चौका दे दी, हर दुकान वाला 200 मांग रहा तो हम 7 मिनट से देख लिया है। लड़का कहाँ है बाबा तुम? कड़ाके की सर्दी में अविनाश तिवारी की एक झलक पाने को लेकर महिलाएं बच्चे और बूढ़ों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बघेली गानों पर झूमती पब्लिक को काबू में करने के लिए पुलिस को जमकर मशक्कत करनी पड़ी। कार्यक्रम का संचालन रियाजी व पंडित सचिन शर्मा सूर्या ने किया। अंत में दुल्ही चाही मुंबई वाली फिल्म का टाइटल सॉन्ग रिलीज किया तो एक बार फिर भीड़ बेकाबू हो गई। शहर में जाए जाए अपने बघेली के नाम पर हम कार्यक्रम करीला है, हर शहर में जाए जाए केवल हम बघेली खातिर काम कर रहे हैं। इसकी हमारी यह उद्देश्य कि अपने बघेली बोली में हर एक कार्यक्रम हो। एक कार्यक्रम किया उद्देश्य है कि मतलब नए साल में लोगन का हंसावे कहे और गुदगुदावे कहे, और वो क्षेत्र में जी क्यों अच्छा काम करे हो, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे फिर हर वो व्यक्ति जी अच्छा काम करे हो अपने फील्ड में, उनका सम्मानित कीजिए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।